हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येन्द्रनाथ था। मत्स्येन्द्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। मत्स्येन्द्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल चक्रवर्ती ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबाणी नाम से किया। गोरखबाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं, शब्द पद शिष्या दर्शन प्राण संकली निर्भय बोध आत्मबोध अभय मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ गोरखबोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड शक्ति संगम तंत्र निरंजन पुराण वैराट पुराण गोरखशतक सुयोग सिद्धांत पद्धति योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मक्षंद विभु या मत्स्येन्द्रनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं, नागार्जुन जड़भरत हरिश्चंद सत्यनाथ भीमनाथ गोरक्षनाथ चरपट जलंधर और मल्लार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है, आदिनाथ मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ गाहिड़ीनाथ चरपटनाथ चौरंगीनाथ ज्वालेन्द्रनाथ भरतनाथ एवं गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन गोरखनाथ चरपटता जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथपंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह प्राण साधना वैराग्य मन साधना कुंडलिनी जागरण शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येन्द्रनाथ का नाम वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है।